बीज का चुनाव करना, प्रभेद का चुनाव करना एक अहम मुद्दा होता है। किसानों को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके पास अच्छा प्रभेद नहीं है तो आपका लाख मेहनत किया हुआ बेकार हो जाता है। तो प्रभेद के चुनाव में किसान भाइयों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर में हमारे यहाँ जो है अनुसंधान केंद्र प्लांडू से बहुत सारे किस्मों का विकास किया गया है। इसमें जो है स्वर्ण प्रकाश एक सामान्य किस्म है, देसी किस्म है, ये संकर किस्म नहीं है, देसी किस्म है। और इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि जीवाणु मुरझा रोग से प्रतिरोधी किस्म है। इसमें जो है जीवाणु मुरझा रोग बीमारी जो होता है वो नहीं होता है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो किसान भाई इसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा स्वर्ण कंचन ये भी जो है सामान्य किस्म है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, संकर किस्म नहीं है। इसका भी जो है ये मुरझा रोग प्रतिरोधी किस्म है और ये जो है अधिक उत्पादन देने वाला है। उसके अलावा अगर हाइब्रिड की हम बात करते हैं तो हाइब्रिड में जो है स्वर्ण संपदा एक अच्छी किस्म है जो मुरझा रोग प्रतिरोधी है और अधिक उत्पादन देने वाला है। उसी तरह से है स्वर्ण विजया भी है, स्वर्ण समृद्धि भी है, इस तरह का जो है टमाटर। बैंगन में अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण श्यामली जो है, स्वर्ण प्रतिभा है, ये जो है मुरझा रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाला। अगर मिर्च की बात करते हैं तो मिर्च में स्वर्ण प्रफुल्या है, स्वर्ण आरोही है, स्वर्ण अपूर्वा है, ये सारा जो है अनुसंधान केंद्र प्लांडू से विकसित की किस्म है और रोग प्रतिरोधी किस्म है। अगर आप लत्तीदार सब्जी की बात करते हैं तो करेला में जो है स्वर्णयामिनी एक बहुत अच्छी वेराइटी है जिसको किसान भाई लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर नेनुआ की बात करते हैं तो स्वर्ण प्रभा एक हमारी बहुत अच्छी वेराइटी है जिसमें अच्छा उत्पादन होता है, उसको किसान भाई लगा सकते हैं। अगर लौकी की बात करते हैं तो स्वर्ण स्नेहा काफ़ी अच्छी वेराइटी है जिसको किसान भाई लगा सकते हैं। अगर सतपुतिया की बात करते हैं, बरसात में काफ़ी किसान भाई लगाते हैं सतपुतिया, तो स्वर्ण सामनी हमारी बहुत ही अच्छी वेराइटी है जिसको किसान लगा के अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप बोदी की बात करते हैं तो स्वर्ण श्वेता है, स्वर्ण सुफला है, ये सारी हमारी बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिसको किसान लगा के अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और ये जो है मोजाइक रोग से प्रतिरोधी किस्म है। तो अधिक उत्पादन के साथ साथ जो है उत्पादन अच्छा उत्पादन देने वाला है जिससे किसानों को फायदा हो सकता है। तो किसान भाई इस तरह जो है प्रभेदों का चुनाव करके अच्छा आमदनी दे सकते हैं। किसान भाइयों अगर बरसात की खेती कर रहे हैं तो फसल के अच्छा उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है, अगर लत्तीदार सब्जी लगा रहे हैं तो उसको सहारा देना, उसको जो है झांक लगा के पौध को उस पर चढ़ाएँ ताकि अगर पौध जो है नीचे नहीं गिरे, उसका फल ज़मीन में नहीं सटे, क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा, नमी ज़्यादा होगा तो वहाँ फल सड़ने का और कीट लगने का, मतलब उससे जो है सड़न की समस्या होगा। तो किसान भाई जो है झाड़ लगा के या सहारा दे के किसान भाई जो है लत्तीदार सब्जियों का वो कर सकते हैं। अगर हम टमाटर बैंगन की बात करते हैं तो टमाटर में भी जो है जब तक फूल रहता है तब तक पौधा खड़ा रहता है, जैसे फल लगता है तो पौधा गिर जाता है। तो टमाटर को भी किसान भाई जो है सहारा दें, लाइन में लगाते हैं तो दोनों किनारे पे अगर एक एक खूंटा गाड़ देते हैं और उसमें जो है रस्सी लगा के और उस पर अगर पौध को चढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक भी पौधा जो है ज़मीन में नहीं सटेगा और वो जो है फसल का नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाई इन सारी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं, और कीट मकोड़ा के लिए जो है आप जो है नीम आधारित दवा का ही प्रयोग करें जिससे जो है आगे नुकसान, स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं हो और फसल भी अच्छा हो।